हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोगों का इस महामारी के, जो कोरोना महामारी है, इसके चलते स्कूल बंद चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम लोग इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर वैसी आवश्यकता पड़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही घर से बाहर निकलिएगा। आने सोशल डिस्टेंसिंग कहने का मतलब करीब 1 मीटर किसी भी व्यक्ति से आप लोग दूर रहिएगा। तो चलिए, आज सोशल साइंस क्लास 2 के बच्चों को लेसन 1 पार्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो लेसन 1 में संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। और ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, यानी संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, इसको पहले जानना जरूरी है। तो संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, यानी दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहलाता है, कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, यानी दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उस घर के बच्चे एक में रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। तो परिवार बनता कैसे है, यानी परिवार के बारे में भी जान लीजिए। परिवार माता पिता और बच्चों से बनता है। परिवार कैसे बनता है, यानी माता पिता और बच्चों को सम्मिलित रूप को परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार के बारे में बता दिए। परिवार 2 तरह का होता है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, एकाकी परिवार के बारे में नीचे क्लास में पढ़ना है, तो उसको भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है, जो कि पीछे पढ़ लिए हैं। जो बच्चे 1 से 2 में गए हैं विदाउट एग्जाम दिए हुए इस महामारी को देखते हुए, तो वे लोग इन्हें समझेंगे कि सर जी 2 क्लास को पढ़ा रहे हैं, 1 के लोग ही 2 में चले गए हैं, उनको ही हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एकाकी परिवार का मतलब किसको कहते हैं, जिस परिवार में माता पिता और उनके केवल बच्चे रहते हैं, उसको एकाकी परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार के बारे में, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं बताए। तो इस संयुक्त परिवार में जैसे पहले बताए, दादा दादी, माता पिता, और चाचा चाची, ऐसे करके सदस्य रहते हैं। तो और इस माता पिता और पुत्र पुत्री से बताए कि एक छोटा परिवार बनता है, जिसे एकाकी परिवार कहते हैं। तो इन संबंधियों को हम लोग भली भांति जानते हैं, जैसे दादा, यानी किसको हम लोग बोलते हैं, तो दादा कहने का मतलब कि अपने पिता के पिता को दादा कहते हैं। हम अपने पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं, दादा कहते हैं।
और पिता की मां को दादी कहते हैं। उस तरह से पिता के भाई को चाचा कहते हैं और उनकी पत्नी को चाची कहते हैं। ऐसे करके अनेकों संबंधी है और पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं और छोटे भाई को जैसे बोले चाचा कहते हैं और उनके पुत्र पुत्रियों को चचेरे भाई बहन के नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। और पिता की बहन को बुआ कहते हैं। इस तरह ये हमारे सभी लोग अपने संबंधी कहलाते हैं। तो माता अपनी माँ के भाई को मामा और उनकी वाइफ को मामी कहते हैं और अपनी माँ के बहन को मौसी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे परिवार की बात रही। तो संयुक्त परिवार में बता दिए अनेकों लोग रहते हैं। तो आप लोगों का ये शॉर्ट कट का चैप्टर है और इन परिवार के सदस्यों का एक सामान्य नाम होता है यानी परिवार के सदस्यों को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे मदन, कोई लोग के घर के लोगों का नाम मदन होगा, बच्ची होगी तो वो माया हो या जाया हो, ऐसे करके लोग नाम लिख रखते हैं। ठीक है, सभी लोगों का नाम है। जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ तो नाम है। तो ये इसको हम मुख्य नाम से जानते हैं। ऐसे जो नाम होता है घर के लोग जिसको पुकारते हैं कह करके, जैसे मदन पुकारे किसी बच्चे का नाम, किसी के लड़के का नाम मदन है तो मदन केवल पुकारता है तो वो मुख्य नाम कहलाता है। तो ये क्या हुआ, ये मुख्य नाम। और इसके बाद उपनाम आता है। एक क्या बताए, एक मुख्य नाम बताए, इसके बाद उपनाम आता है। जैसे उपनाम में कुमारी हो गया, सिंह हो गया, शर्मा हो गया, अंसारी हो गया, ये बच्चों उपनाम हुआ। इसको क्या कहेंगे, उपनाम। मुख्य नाम को हम लोग पहले लिखते हैं या मुख्य नाम को हम लोग पहले बोलते हैं, समझे आप लोग। मुख्य नाम को, मुख्य नाम किसको कहते हैं आप लोगों को बताए। तो मुख्य नाम को हम लोग पहले बोलते हैं और उपनाम को बाद में बोलते हैं। कभी कभी लोग मुख्य नाम ना बल्कि उपनाम से ही किसी को संकेत करते हैं, या कुछ लोग मुख्य नाम से ही किसी को बोलते हैं। तो जैसे हमें मदन सिंह लिखना है तो दोनों नाम मिला करके वो पूर्ण नाम होता है। जैसे मदन सिंह,
और बच्ची का अगर नाम लिखना है तो जैसे बताएं आप लोगों को, जैसे माया है घर में, किसी बच्ची का नाम माया है तो फुल नेम लिखना होता है तो माया कुमारी। ठीक है, ऐसे करके जैसे ब्लैकबोर्ड पर बता रहे हैं अने पूरा नाम ऐसे लिखेंगे हम। उसी तरह और बहुत सारे नाम है, जैसे रमेश मुख्य नाम है और उसमें हम उपनाम जोड़ देते हैं जो रहता है, जैसे शर्मा है तो शर्मा लिख लिए रमेश शर्मा, या सिंह लिखेंगे या अंसारी लिखेंगे, बताए आप लोगों को। इस तरह करके हम नाम के बारे में, लिखने के बारे में जाने। तो अगला इस पाठ का क्वेश्चन है, हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं या लिख भी दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं आप लोग बना करके व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए दोनों परिवार के बारे में बता दे कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार किसको कहते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा दूसरा रहेगा उपनाम मुख्य नाम से कब लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा अपने परिवार के दस सदस्यों के नाम अपने परिवार के 10 सदस्यों के नाम लिखने में। ये मत सोचिएगा कि हम लोग तो माता पिता है और हम लोग केवल ही एक घर में रहते हैं, तो हमारे घर 10 लोग कहाँ हुए। अने आप लोगों के चाचा भी होंगे उनका नाम, या आप लोगों के बड़े पापा होंगे उनका नाम, उनके घर के और जो भी बच्चे होंगे उनका नाम लिख करके ऐसे बनाइएगा। ठीक ना, तो थैंक यू।